नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। ठंड और शीतलहर के बीच चमोली के बद्रीपुरी में चार धाम खोलने की मांग को लेकर जन आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है। बद्रीनाथ धाम में अब आज से साधु संत की ओर से मौनी महाराज बाबा आमरण अनशन पर बैठे हैं। मौनी बाबा महाराज की मांग है कि सभी को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की अनुमति मिले। मौनी महाराज ने कहा है कि सरकार अपने विशेष अधिकार के तहत स्थानीय लोगों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन की अनुमति दे सकती है। आज से हम संत समाज की अगुवाई में अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन की अनुमति लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अगर हमें कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी खुद सीएम साहब और जिला प्रशासन की होगी। तो चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे मौनी महाराज और यहाँ पर जन आंदोलन ने रफ्तार भी पकड़ ली है। इनका कहना है कि अगर हमें अनशन के दौरान कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रदेश के सीएम और प्रशासन की होगी। हमारी मांग ये है कि बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए खोला जाए, क्योंकि पहले भी मैंने मई में अनशन किया था, 23 मई से लेके 7 मई तक। उस समय प्रशासन हमको बोला था कुछ समय हमको टाइम दो, मैं स्थानीय निवासियों के लिए, स्थानीय संतों के लिए हम खोल देंगे। कुछ समय का अर्थ होता है 2.5-3 महीना गुजर जाने के बाद हो गया, 2.5-3 महीना होने के बाद मजबूरन हमको अमरण अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सीएम भी चेंज हो गए, दूसरा सीएम है, उन्होंने कोई मेरे को सूचना नहीं दिया। इसी कारण स्थानीय निवासी, डिमरी समाज, पंडा समाज, सब लोग को दर्शन करने का अधिकार है, क्योंकि स्थानीय में कोई कोविड नहीं है, यहाँ पर कोई कोरोना नहीं है। वही चमोली के सीमांत धौली गंगा घाटी क्षेत्र में मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। 7 फरवरी के बाद से क्षेत्र में लगातार प्राकृतिक आपदा की समस्याएं बनी हुई हैं। ऋषि गंगा परियोजना तपोवन में हुए नुकसान के बाद लगातार रोहिणी गांव में भूस्खलन जारी है। वहीं पिछले दिनों तमक झेलम के पास कई दिनों तक सड़कें बंद रहीं। मंगलवार को जोशीमठ ब्लॉक में भूस्खलन के चलते जुगजुग गांव के ग्रामीणों ने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाई। इस दौरान गांव के लोगों ने अपने मोबाइल फोन में तस्वीरें भी कैद की हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चमोली में लगातार प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लगातार भूस्खलन हो रहा है जिसकी वजह से कईयों के आशियाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे में जो लोग वहां रह रहे हैं वो वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, वहां से अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं जो उनके लिए सुरक्षित स्थान है। वहीं चमोली में सीमांत घाटी नीति मलारी को जोड़ने वाले गांव में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति ठप है, जिसे सुचारू करने के लिए बिजली विभाग जान को जोखिम में डालकर बिजली सुचारू करने में लगा है। सीमांत घाटी मरखुड़ा तमक के पास सीमांत के 17 गांव में अब जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। आपको बता दें कि नीति मलारी हाईवे में पहाड़ों से चट्टान दरकने से राजमार्ग बंद हो गया था, तो यहाँ पर लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है जिसकी वजह से लोग अपने तमाम काम नहीं कर पा रहे हैं। बिजली सुचारू करने में बिजली विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है, जान जोखिम में डालकर भी जो समस्याएं हैं उस पर काम कर रहा है। दरअसल चमोली के सीमांत घाटी नीति मलारी को जोड़ने वाले गांव में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं आ रही है, जिसे सुचारू करने के लिए बिजली विभाग जान को जोखिम में डालकर बिजली सुचारू करने में लगा हुआ है। सीमांत घाटी मरकुड़ा तमक के पास सीमांत के 17 गांवों में अब जल्द विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाएगी। आपको बता दें कि नीति मलारी हाईवे में पहाड़ों से चट्टान दरकने से राजमार्ग बंद हो गया था। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजमार्ग पूरी तरह से बंद है। ऐसे में बिजली विभाग बिजली आपूर्ति करने की कोशिशों में लगा हुआ है।
उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते देहरादून में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के लिए समन्वय समिति का गठन किया। वहीं बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर 2021 तक चलेगी। बता दें कि विधानसभा स्तरीय कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के लिए समन्वय समिति का गठन हो गया है, तो 3 सितंबर से 6 सितंबर तक परिवर्तन यात्रा चलाई जाएगी। समन्वय समिति का यहाँ पर गठन हुआ है, तो समन्वय समिति के गठन को लेकर तैयारियां पहले से ही कर ली गई थी। उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसके चलते देहरादून में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा के लिए समन्वय समिति का गठन कर लिया है। जानकारी ये भी मिल रही है कि ये परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर से 6 सितंबर 2021 तक चलने वाली है। बता दें कि विधानसभा स्तरीय कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के लिए समन्वय समिति का गठन भी पहले से ही किया जा चुका है। लालकुआ में आने वाले 4 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की सफलता की रूपरेखा तैयार भी की गई है। वहीं बैठक में मौजूदा वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। नगर कांग्रेस कार्यालय में हरेंद्र बोरा ने सूबे की बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेशवासियों को केवल झूठे वादे करके छलने का काम किया है। हमें परिवर्तन यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार की नाकामियां जनता के बीच रखनी है। 3 सितंबर को खटीमा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी, जो कि 4 सितंबर को लालकुआ पहुंचेगी। परिवर्तन यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाना है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो परिवर्तन यात्रा को लेकर तमाम बैठकें लगातार की जा रही हैं। 4 सितंबर को ये यात्रा पहुंचेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुछ विधानसभाओं में प्रथम चरण में 3 तारीख से 6 तारीख तक के खटीमा से, जो शहीदों का स्थल है हमारे, जिन्होंने जो है उत्तराखंड प्रदेश बनाने में जब वहाँ पर जिन्होंने बलि दी है, उनके बलिदान को जो है नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को खटीमा से सितारगंज होते हुए ये यात्रा निकालने जा रही है, और 4 तारीख को ये यात्रा जो है लालकुआ विधानसभा में पहुंचेगी, जो कि एक भव्य रैली के रूप में यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखेगा। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है कि पिछले 4.5 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर काबिज है। पिछले चुनाव में जब 2017 में चुनाव हुए थे तो यहाँ पर लोगों को उकसाया गया, उनको भड़काया गया, कहीं धर्म की बात कही गई, कहीं पर कुछ बात कही गई, और लोगों से 2017 के चुनाव में ये कहा गया कि केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर भी जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आएगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा, लोगों की समस्याएं दूर होंगी। पौड़ी में देश और प्रदेश में बढ़ रहे रसोई गैस के दाम और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुसखाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के पास आक्रोश व्यक्त करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी सरकार के चलते देश और प्रदेश में रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट रही है, जिससे कि बढ़ती महंगाई की मार महिलाओं के किचन तक देखने को मिल रही है। एक तरफ तो सरकार उज्ज्वला गैस बांटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। जब गैस के दाम इतने बढ़े हुए हैं तो सिलेंडर लेकर गरीब आम आदमी उसको कैसे भराएगा। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत सभी रोजमर्रा की चीजों के दामों पर अंकुश लगाने की देश और प्रदेश सरकार से मांग की है। पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने के लिए मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन किया है, साथ ही साथ मांग की है कि अगर यूं ही इस तरह से ही आम जनता की कमर तोड़ी जाएगी तो लगातार कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती रहेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पुतला दहन करते हुए भी नजर आए हैं। पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर यह आक्रोश कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल रसोई गैस के जो दाम हैं वो एक बार फिर से बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। खाद्य पदार्थ के जो दाम हैं उनमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि आम जनता लगातार त्रस्त है और बीजेपी सरकार, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, सिर्फ और सिर्फ जनता की कमर तोड़ रही है।
दो दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि नानकमत्ता में जल्द ही हेलीपैड की सेवा शुरू होगी। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। जल्द ही दिल्ली अमृतसर लखनऊ से हेलीपैड सेवा यहां के लिए शुरू हो सकेगी। ये सेवा दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नानकमत्ता साहिब के लिए ये विशेष सेवा है। इस पर सरकार और प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम ने कहा कि नानकमत्ता में जल्द शुरू होने वाली है हेलीपैड सेवा, जो कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आपको बता दें कि यहां पर दो दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि नानकमत्ता में जल्द ही हेलीपैड की सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही दिल्ली अमृतसर लखनऊ से हेलीपैड सेवा यहां से शुरू कर सकेगी। ये सेवा दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए शुरू की जा रही है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नानकमत्ता साहिब के लिए विशेष सेवा है। इस प्रकार सरकार और प्रशासन ने अपना काम भी पूरी तरह से शुरू कर दिया है। हमारी डीएम साहिबा उसको तो कर रही होंगी, वाटर स्पोर्ट्स का जो काम चालू होना है जल्दी हम उस पर काम चालू करेंगे। आने वाले समय में हम यहाँ से उड़ान योजना में जो दिल्ली से, लखनऊ से, चंडीगढ़ से, अमृतसर से, बहुत सारे देश के लोग जो नानकमत्ता साहिब आना चाहते हैं उनके लिए हम सीधे यहाँ पर हेली सेवा प्रारंभ करेंगे। और उन्होंने तमाम यहां पर जो नानकमत्ता है उसको लेकर हेलीपैड की व्यवस्था करने की बात कही है और कहा है कि जल्द ही इस सेवा को शुरू किया जाएगा। चमोली के घाट विकास खंड स्थित सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर से मां नंदा देवी की डोलियों की कैलाश के लिए विदाई के साथ हर साल आयोजित होने वाली नंदा देवी लोकजात की शुरुआत हो गई है। कई पड़ावों को पार करने के बाद मां नंदा की देव डोलियां 13 सितंबर नंदा सप्तमी के दिन बैदनी कुंड और बालापाटा बुग्याल पहुंचेगी, जहां मां नंदा की पूजा अर्चना के बाद नंदा देवी लोकजात का समापन होगा। बता दें कि 12 सालों में कुरुड़ मंदिर से ही नंदा देवी राजजात का आयोजन होता है और हर साल नंदा देवी लोकजात का आयोजन किया जाता रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नंदा देवी लोकजात का आयोजन शुरू हो चुका है और माँ की जो डोलियां हैं वो भी जल्द कैलाश के लिए रवाना कर दी गई हैं। आज नंदा देवी लोकजात तो हर वर्ष होने वाली है सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर से और मतलब बैदनी कुंड और बालापाटा के लिए दोनों यात्राएं दोनों डोलियों की संपन्न होगी 13 सितंबर को। और अपने अपने आज 4 बजे लगभग यहाँ से सारे माताएं बहनें हमारी बहुत दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचे थे। अपने कुल इष्ट देवी को अपने विदाई के रूप में जिस प्रकार से ससुराल को लड़की विदाई की जाती है उस रूप में यहाँ से मतलब देवी को विदाई कराएंगे और देवियाँ दोनों डोलियाँ यहाँ से अपने अपने गंतव्य पड़ाव पर एक डोली नंदा देवी राजेश्वरी के चरबंग पहुँचेगी और दूसरी डोली नंदा देवी के यहाँ से जो है फरकीत ग्राम से हमें पहुँचेगी। इस के अंदर जो ये कोरोना महामारी का है तो ये हम यहाँ पे एक हवन प्रक्रिया भी कल से हुई है कि जिसमें कि सारे देश की सुख समृद्धि के लिए एक हवन किया गया कि इस प्रकार की बीमारियां भविष्य में ना आए। यूं तो उत्तराखंड राज्य देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर अनेकों देवालय और शक्ति के केंद्र स्थित है। इन्हीं केंद्रों में से एक है छोई रामनगर जिला नैनीताल स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री हनुमान धाम। धाम की वास्तुकला और छटा अनोखी है। एक दशक पहले से अस्तित्व में आया ये धाम लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है, जहां लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, जहां आकर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सरनवाते हैं। धाम में स्थापित भव्य हनुमान जी की मूर्ति लोगों का मन मोह लेती है। लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और मन्नत की गांठ बांधते हैं। फलस्वरूप वीर बजरंगी हनुमान उनकी इच्छा भी पूरी करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। तो रूट श्रद्धा और आस्था का केंद्र है हनुमान धाम, जो कि अब बड़े पैमाने पर लोगों के बीच प्रचलित हो चुका है। लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और हनुमान जी से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भव्य ये मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हमारे आचार्य श्री हैं दिल्ली से, वो संघ के प्रचारक रहे हुए हैं पहले, तो उनके मन में प्रेरणा आई, वैसे व्यापारी आदमी हैं मगर उनके मन में एक प्रेरणा आई कि मुझे हनुमान जी का कोई ना कोई काम करना है। उत्तराखंड में वो ऐसा कोई स्थान ढूंढ रहे थे जहाँ थोड़ा सा जगह मिल जाए उसमें हम हनुमान जी को स्थापित करें,
उसी बीच जब वो कथाएं करते थे, हनुमान जी पे केवल कथाएं करते हैं, उसी बीच उनकी रामनगर में मुलाकात आस्थान ग्रुप के श्री राजीव अग्रवाल जी से हो गई। राजीव अग्रवाल जी ने कहा, भाई दुनिया में सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, यहाँ पूजा भी नहीं होती आज की तारीख में। आज एक छोटा सा मंदिर बना के आप तैयार कर देंगे, उसमें कल को पूजा भी नहीं होगी, तो वो बड़ा कष्टकारी होगा। अगर आपको भी पर्वतरोहण और साहसिक गतिविधियों में दिलचस्पी है तो ये खबर आपको रोमांचित कर सकती है। इसके लिए आपको अब बर्फीली चोटियों के बीच जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप नेहरू पर्वतरोहण संस्थान में पहाड़ी शैली में बने म्यूजियम में क्रेवास के ऊपर से चलकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। आप भी ऊंचे ऊंचे बर्फीली चोटियों के बीच क्रेवास को ऊपर सीढ़ी के सहारे पार करने का अनुभव यहाँ ले सकते हैं। साथ ही पर्वतारोहण सहित चारों धामों और पहाड़ी संस्कृति से भी इस म्यूजियम में 3D ऑडियो और विजुअल के साथ रूबरू हो सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम देखने में लग रहा है और जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो भी इसकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी से तस्वीरें सामने आई। बर्फीली चोटियों के बीच जाने की अब आपको जरूरत नहीं है, आप बर्फीली चोटियों का मजा यहीं ले सकते हैं। दरअसल अगर आपको भी पर्वतरोहण करना पसंद है, साहसिक गतिविधियां करना पसंद है और आप बर्फीली पहाड़ियों में जाना चाहते हैं तो एक खबर आपके लिए ही है। इसके लिए आपको अब बर्फीली चोटियों के बीच वाकई जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप नेहरू पर्वतरोहण संस्थान में पहाड़ी शैली में बने म्यूजियम में क्रेवास के ऊपर से चलकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जी हाँ, ये म्यूजियम कुछ इसी तरह से बनाया गया है। आप भी ऊंचे ऊंचे बर्फीली चोटियों के बीच क्रेवास को ऊपर सीढ़ी के सहारे पार करने का अनुभव यहाँ से ले सकते हैं। साथ ही पर्वतारोहण सहित चारों धामों और पहाड़ी संस्कृति से भी इस म्यूजियम में 3D ऑडियो और विजुअल के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो बेहद ही खूबसूरत ये म्यूजियम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद हो पहाड़ों में जाना, बर्फीली चोटियों को छूना, तो यहाँ आप जा सकते हैं। रुद्रप्रयाग में एक ओर जहां चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट से रोक लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर तुंगनाथ धाम सहित मिनी स्विट्जरलैंड चौपता में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और यात्री पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचने से चौपता तुंगनाथ पैदल ट्रैक के साथ ही बुग्यालों में गंदगी फैल रही है, जिस कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में इको पर्यटन विकास समिति, तुंगनाथ चौपता व्यापार संघ और जीप टैक्सी यूनियन की ओर से संयुक्त अभियान चलाते हुए चौपता तुंगनाथ पैदल मार्ग के यात्रा पड़ावों सहित तुंगनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाकर कई क्विंटल प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा कर निस्तारण के लिए चौपता मार्ग तक पहुँचाया जा रहा है। साथ ही तुंगनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और सैलानियों से आग्रह किया जा रहा है कि इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक की बोतलों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए, जिससे तुंगनाथ घाटी के सुरम्य मखमली बुग्यालों की सुंदरता कायम रह सके। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। दरअसल घाटियों में जो पर्यटक पहुंचते हैं, जो सैलानी पहुंचते हैं, जो यात्री पहुंचते हैं, वो प्लास्टिक की बोतलें वहीं पर फेंक देते हैं और ऐसे में गंदगी चारों तरफ फैल जाती है। इससे जो वहाँ की सुंदरता है, जो बुग्यालों की सुंदरता है, वो काफ़ी हद तक फीकी पड़ जाती है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग ऐसा ना करें। देखिए, रुद्रप्रयाग में एक ओर जहाँ चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है, स्टे लगा रखा है, तो दूसरी ओर तुंगनाथ धाम सहित मिनी स्विट्जरलैंड चौपता में सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, यात्री पहुंच रहे हैं। इनके पहुंचने से चौपता तुंगनाथ पैदल ट्रैक के साथ ही बुग्यालों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिस कारण पर्यावरण को भी भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में इको पर्यटन विकास समिति, तुंगनाथ चौपता व्यापार संघ और जीप टैक्सी यूनियन की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और चौपता तुंगनाथ पैदल मार्ग के यात्रा पड़ावों सहित तुंगनाथ धाम में स्वच्छता अभियान चलाकर क्विंटलों प्लास्टिक और कूड़ा इकट्ठा किया गया और निस्तारण के लिए चौपता मार्ग तक पहुंचाया गया। साथ ही तुंगनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, सैलानियों से अपील की जा रही है कि इस्तेमाल के बाद प्लास्टिक की बोतलों को ऐसे वैसे ना फेंके, इधर उधर ना फेंके, सुरक्षित स्थानों पर रखें, जिससे तुंगनाथ घाटी के सुरम्य मखमली बुग्यालों की सुंदरता हमेशा के लिए कायम रह सके। इसी माह 15 तारीख को ये कार्यक्रम किया था। इसके बाद हमने जो है आज अपने तमाम टीम के साथ ये कार्यक्रम किया है और हम लगभग जो है 3 क्विंटल कूड़ा जो है प्लास्टिक कचरा तुंगनाथ के मार्ग से उठा कर के लाए। यहाँ पर 4,226 पर्यटक चले गए हैं। भविष्य में इको पर्यटन विकास समिति की क्या कार्य योजना है क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए? इको पर्यटन समिति चाहती है कि यहाँ जो है शंकुधारी वृक्ष लगाए जाएँ और जो शंकुधारी मीन वृक्ष हैं हमारे पास, कैल, देवदार और जो हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है भोज वृक्ष,
वो बहुत वृक्ष आज भी किसी भी नर्सरी में मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वन विभाग की जितनी नर्सरियाँ हैं किसी में भी बहुत वृक्ष नहीं है। बहरहाल देवदार मिल रहा है मगर कैल के कहीं वृक्ष नहीं मिल रहे हैं। जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं वो जल संग्रहण का कार्य करते हैं और इसी से जल प्रवाहित होता है, जो जमीन के अंदर जल संचय होता है और इसी से नदियाँ प्रवाहित होती हैं। उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभागों में घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम महिला पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। घसियारी योजना के तहत पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। इस योजना से महिला पशुपालकों और डेयरी सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। मंत्री रेखा आर्य ये भी कहती है कि 80 किलो के पैकेट में पहले चारा मिलता था, जिससे पहाड़ों तक पहुंचने में तमाम दिक्कतों का सामना समितियों को करना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना के जरिए 20-20 किलो के पैकेट तैयार किए जाएंगे, जिसको कहीं भी पहुंचाने में आसानी रहेगी। तो घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, महिला पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत मैं समझती हूँ बहुत जल्द से जल्द होने जा रही है और संभावना यह है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं कहूँगी कि हमारे डेयरी सेक्टर में जो हमारी दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं वह इस योजना से बहुत अधिक जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले यदि हम साइलेज के विषय में बात करते हैं, पशुओं के चारा के विषय में बात करते हैं, तो दुग्ध सहकारी समिति की जो महिलाएँ हैं उनको वह चारा 80 kg के एक पैकेज में उनको मिलता है, जिसके कारण से पहाड़ पर उसका ढुलान, उसे वहाँ ले जाना जो है वह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए जो है अब सरकार ने एक नया प्रयास किया है कि पहाड़ पर घरों तक पहुंचाना वो संभव हो सके, उसके लिए 20 kg का जो है एक 20 kg का एक पैकेज जो है उसको बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी की तरफ से शुरू की गई मुक्ति योजना के शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की सबसे बड़ी संस्था श्रीगंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा ने उत्तराखंड संस्कृत अकादमी पर संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। हरिद्वार में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अस्थि विसर्जन तीर्थ पुरोहितों का वंशागत कार्य है, लेकिन उत्तराखंड संस्कृत अकादमी इस परंपरा के विपरीत जाकर डॉलरों में कमाई करना चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस योजना को बंद नहीं कराया गया तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। तो हरिद्वार में मुक्ति योजना का विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर उनका कहना है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, संस्थाएं भी लगातार विरोध कर रही हैं और कह रही हैं कि संस्कृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर किसी चीज में कोई दिक्कत आती है तब उसके लिए हमसे कोई संपर्क करता, हम उसका निराकरण करते। आप आज सीधे ही एक व्यवस्था बना रहे हैं कि साहब इतने डॉलर आप भेजिए, इसमें हम आपकी वो कार्य कराएंगे। आपने तो बगैर किसी कार्यक्रम करे ही बिजनेस शुरू कर दिया है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और साफ शब्दों में इस बात के लिए निवेदन करता हूँ, गंगा सभा, तीर्थ पुरोहित समाज निश्चित रूप से सुव्यवस्थित रूप से सैकड़ों वर्षों से अपने यजमानों की व्यवस्था करता आया है और भविष्य में भी करता रहेगा। ऐसी किसी भी, चाहे संस्कृत अकादमी हो या अन्य कोई हो, अगर वो तीर्थ पुरोहितों के कार्य में हस्तक्षेप करेंगे। ऋषिकेश में देवभूमि जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं और गौरी माफी के ग्रामीणों ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सत्यनारायण मंदिर गंगा लहरी संपर्क मार्ग निर्माण की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ नारेबाजी भी की है। देवभूमि जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले गौरी माफी के ग्रामीण सत्यनारायण मंदिर के पास एक दिवसीय धरने पर बैठे संघर्ष मोर्चे के अध्यक्ष संजय पोखरियाल ने सरकार पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से कई बार गौरी माफी गांव को हाईवे से जोड़ने वाली सड़क को बनाए जाने के झूठे वादे किए जाते हैं, मगर आज तक उन वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीण काफी ज्यादा नाराज हैं। एक दिवसीय यहाँ पर धरना भी दिया गया है। अगर सब कुछ योजना के तहत हुआ होता तो जल्द ही रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय वासियों को जाम की समस्या से निजात मिल सकती थी, साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और उनका काफी समय भी बचेगा। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर जल्द ही कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसका लाभ रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही देश विदेश से आने वाले तीर्थ यात्रियों को मिलने जा रहा है।
अंतर्गत एक 930 मीटर का बाईपास बनना है और 200 मीटर का एक ब्रिज बनना है। इसकी निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं और कॉन्ट्रैक्टर को लोवेस्ट कॉन्ट्रैक्टर भी आ चुका है, उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जारी हो चुका है। 2 महीने के अंदर इसका अनुबंध गठित कर कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उसमें जो केदारनाथ धाम को जाने वाले यात्री हैं वो उनको रुद्रप्रयाग के कंजेशन मार्केट से नहीं गुजरना पड़ेगा। यद्यपि मार्केट का भाग 4 किलोमीटर लंबा है लेकिन इस 4 किलोमीटर में यात्रा के समय में भीड़ भाड़ होने की वजह से काफ़ी समय लगता है, वो सीधे इस बाईपास होते हुए निकल जाएंगे। और जो लोग केदारनाथ धाम से लौटेंगे बद्रीनाथ धाम जाना चाहेंगे उनको भी रुद्रप्रयाग मार्केट से नहीं गुजरना पड़ेगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।